देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ? गौतम अडानी के जहाज में। गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22-23 आते आते विश्व का नंबर 1 का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं, इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से SBI पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है, ये हिंडनबर्ग की खबर में खुलासा होता है कि सब फर्जी। और आज पता लगता है कि अडानी की कंपनियों डूबना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप उससे पैसा ले रहे हैं, उद्योग लगाएंगे, 2 का 4 रुपया करेंगे, लेकिन आप हमारे सरकारी बैंकों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी कागजों में है, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्लांट नहीं लग रहा, कोई नहीं। और ये जो है आज की मैगजीन की आज का खुलासा है कि 80,000 करोड़ डूब गया है। अगर मैं सबसे ज्यादा कमाती हूं तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा? गरीब किसान मजदूर देगा या जो करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स वो देगा? ये एक और खुलासा हुआ है, रिलायंस, टाटा, ICICI, हिंदुस्तान अनिवर, ये 10 ऐसे कंपनियां हैं जो अडानी के इर्द गिर्द भी नहीं है, वो विश्व का पूंजीपति सबसे रईस आदमी, लेकिन टैक्स पेयर की सूची में 10 में भी अडानी का नाम नहीं है, यानी कि टैक्स की चोरी। कमा आप रहे हैं, लेकिन 10 जो हमारे देश के सबसे बड़े करदाता हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उस 10 की सूची में अडानी का नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी जी की बारी आती है। किसने चिल्लाया चोर 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 चोर? हेलो, किसने लोगों को जगाया? राहुल गांधी। किसका मुंह बंद करने की कोशिश चौकीदार ने की? राहुल गांधी। कैसे कोशिश की वो मैं अब आपको सिलसिलेवार बताती हूँ। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी सीधे कुछ सवाल पूछे कि अडानी की कंपनी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, बताइए। जवाब नहीं मिला मुंह बंद करने के लिए। और ये पोस्टर राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर संसद से देश को दिखाया कि ये वो पोस्टर है जिसमें अडानी जी के साथ मोदी जी उसी के जहाज में बैठकर आए हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस संबंध व्यापारिक है, ये पैसा मोदी जी का है जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। ये अडानी की कंपनियां नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी कंपनियां हैं। ये पैसा अडानी को नहीं दिया जा रहा, ये अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंपनियां चला रहा है उसे दिया जा रहा है। ये अडानी को नहीं बचाया जा रहा है, जो JPC की मांग लगातार 16 विपक्षी दल कर रहे हैं, आज और कल भी काले वस्त्र पहनकर 16 विपक्षी दल के 200 सांसद संसद के अंदर और बाहर मार्च करते हुए दिखे, ये उसकी जानकारी है। लेकिन मुंह बंद करने के लिए क्या किया? 2019 इतने साल हो गए मेरे भाई, 19 से 20, 21, 22, 23, 2019 में लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका के कोल्लार में राहुल गांधी ने मात्र ये कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, भाई मोदी जी ने कहा था, भाई वर्ड, मेहुल चौकसी, ये सब देश का पैसा लेकर जो भाग रहे, इनका मोदी जी से क्या संबंध? जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी का 2019 का कर्नाटका के कोलार में दिया हुआ यही शब्द कि क्या संबंध है मोदी 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 आपस, कि देश का चौकीदार मोदी, पैसे लेकर भागने वाले चोर मोदी, इन दोनों मोदियों का क्या संबंध है, ये पूछा। राहुल गांधी जी 19 में भाषण देते हैं और 19 में ही BJP का MLA पूर्णेश मोदी राहुल जी के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में केस कर देता है। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कुछ नहीं होता है सूरत की इस जिला अदालत में। क्या होता है? खुद पूर्णेश भाजपा
कोटा का ये जो विधायक है ये हाई कोर्ट जाता है मामले को तेजी से चलाने के लिए नहीं, मामले पे स्टे के लिए। हाई कोर्ट को कहता है राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मैंने 2019 में मुकदमा किया था उसे स्टे कर दीजिए, उसे रोक दीजिए, और स्टे लग जाता है, रुक गया मामला, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर वापिस ये पोस्टर दिखाते हैं अपने हाथ में, उसी दिन ये मामला सूरत की जिला अदालत में वापिस खोल दिया जाता और सुनवाई होती। अब सुनिएगा, 16 तारीख को कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में जाता है 2023 में, 19 का मामला देखने के लिए स्टे हटा दो। उसके बाद 27 फरवरी को राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई। 27 को फरवरी में सुनाई होती और महीने भीतर ही फास्ट ट्रैक में सुनवाई हुई, और 23 मार्च शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े और शहीदों के, उसी दिन श्री राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया जाता है मानना के मामले में। मैक्सिमम सजा है, अधिकतम सजा 2 साल, 19 महीने भी अगर होगी, 23 महीने भी होगी, 24 महीनों में 23 भी होगी तो सदस्यता नहीं जाती, लेकिन पूरी सजा देनी है, 24 महीने 2 साल की सजा देनी है ताकि सदस्यता जाए। मामला फास्ट ट्रैक में चलता है, दोषी करार दिए जाते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है, और उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर स्पीकर साहब सदस्यता रद्द करते हैं और आज सरकारी बंगला खाली करने का आदेश होता है। राहुल गांधी जी से पूछा गया, हमें गर्व है अपने नेता पर, उन्होंने उदाहरण महात्मा गांधी जी का दिया और पूछा, महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी की, लोकतंत्र की, तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी कौन से सदन के सदस्य थे? क्या उनके सदन के सदस्य ना रहते हुए लोकतंत्र की, अंग्रेजों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ ये लड़ाई कमजोर हुई? नहीं हुई। तो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने वापस उदाहरण पेश किया कि भाजपा का जो लास्ट दाव था, वो लास्ट दाव था राहुल गांधी जी की आवाज खामोश करना, सदस्यता रद्द करना, जेल भेजना और उन्हें किसी तरह खामोश करना ताकि अडानी पर सवाल ना पूछे जाए। लेकिन लास्ट दाव भी फेल हो गया। कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। हम लोगों ने राजघाट पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने सत्याग्रह किया। हम लोग कल दिल्ली के लाल किले की उस प्राचीर पर जिसमें आजादी का तिरंगा झंडा सबसे पहले लहराया था, वहां पर कल हम लोगों ने लोकतंत्र बचाओ शांति मशाल मार्च निकालना चाहा। तानाशाहों ने पुलिस के डंडे के दम पर हमारा वो शांति मार्च नहीं होने दिया। आज हम लोग देश के 35 शहरों में अडानी के इन बड़े बड़े घोटालों की कि कैसे देश का पैसा लूटा जा रहा है, कैसे देश में भुखमरी गरीबी बढ़ रही है, किस तरह से मोदी जी अपने जहाज में बिठाकर अडानी को बांग्लादेश लेकर जाते हैं, श्रीलंका लेकर जाते हैं, और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता, पावर प्लांट आपके एयरपोर्ट बेच दिए, आपकी एयरलाइन बेच दी, LIC बेच दी, MTNL बेच दिया, सरकारी जमीनें बेच दी, लाल किला गिरवी पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल मत पूछिए, मैं देश के लोगों को कहूंगी, ये पैसा आपका, आप लोकतंत्र को बचाने हम सब निकले हैं। मीडिया से कहूंगी, आप लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, क्यों हमें मजबूर हो रहा है कि देश के 35 शहरों में जाकर बात करने का मीडिया से? हम राजधानी दिल्ली में भी बैठकर बात कर सकते थे, क्यों हमने चुना ये रास्ता? क्योंकि दिल्ली में जो बैठा मीडिया है उस पे मोहर लग गई है, वो गोदी मीडिया है, वो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है और सत्ता जो कहती है, जो दिखाना चाहती है देश में वही पहुंच रहा, सच्चाई नहीं पहुंच रही। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं, हम लोकल स्थानीय मीडिया को कहेंगे इस चौथे स्तंभ को जिंदा रखने की, लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने की, सच्चाई लोगों तक पहुंचे, उनका जो पैसा लूट लूट कर भाग रहे हैं, किसने भगाया मेहुल चौकसी को, किसने भगाया नीरव मोदी को, किसने भगाया ललित मोदी को, देश का पैसा लेकर प्रधानमंत्री जी आपने उन्हें भगाया। आज भी अडानी के पोर्ट है, अडानी के एयरपोर्ट है और अडानी के पास उसका पासपोर्ट है, भाग जाएगा पता नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। जब ये अभी भाई मेहुल चौकसी देश का पैसा लेकर भागे, पता लगा मेहुल चौकसी वापस आएगा लेकिन नहीं आते, केंद्रीय सरकार इंटरपोल को
कहकर रेड अलर्ट जो था कि कहीं भी विदेश में जाएगा उसे गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा, वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया है। क्या भाई मेहुल चौकसी देश का पैसा लूट कर जो गया था वो विश्व में कहीं भी घूमे, मोदी जी मेहरबान है देश में बैठकर, उनपे भी जो देश छोड़कर गए उनपे भी जो देश के अंदर आज भी लूट जारी रखे हुए हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर उनकी सदस्यता जाने से, उन्हें उनका सरकारी बंगला जाने से, उन्हें उनके 2 साल जेल भेजे जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकतंत्र की ये आवाजें यूं ही सवाल खड़ा करती रहेंगी। संसद में 22 राजनीतिक दलों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा, ईडी को नोटिस देने की कोशिश की कि जो ईडी पूरे देश के अंदर गैर भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ बात कर रही, ईडी की रेड चल रही है, जहां पर गैर भाजपा शासन सरकारें हैं, समझौते नहीं कर रही है, जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी के महाघोटालों के खिलाफ जांच की मांग कर रही है, उन सबके यहां पर पुलिस ईडी सीबीआई भेजी जा रही है। लेकिन वहीं पर कर्नाटक के अंदर 40% भाजपा की कमीशन खोर बोम्मई सरकार पर विधायक पकड़ा गया 40 लाख के साथ, 8 करोड़ के कैश के साथ, कोई सदस्यता किसी की नहीं गई, कोई ईडी नहीं गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की, और यहाँ पर 16 राजनीतिक दल 200 सांसद संसद से ईडी की दफ्तर की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। और हम पूछना चाहते हैं ईडी कब पहुंचेगी वहां तक, या कब पहुंचने दिया जाएगा उनको वहां तक। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बौखलाहट राहुल गांधी जी के खिलाफ वही थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा जिसे फेल करने की कोशिश की, कामयाब कैसे हो गई, इसीलिए ये पूरा का पूरा संसद नहीं चल पाया, बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। उस संसद में जब बैठती है तो देश के कोने कोने का किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, शोषित, वंचित उम्मीद करता है कि मेरी आवाज उस संसद में गूंजेगी, मेरा प्रतिनिधि, यहाँ पर भी विधायक और हमारे एमएलसी बैठे, उम्मीद से इनको चुनकर भेजा है कि ये आवाज बनेंगे, और उनकी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचलने का काम संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, सीबीआई, ईडी, जुडिशरी तक, यूयू ललित हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है, वो हर हक अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक पर जाएंगे, और अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर, ये जो लेन देन है, इसके खुलासे पर हम जनता की अदालत में, क्योंकि संसद का सत्र 6 अप्रैल को बंद हो जाएगा, ये पूरा सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया। अगर चल जाता तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता, और जेपीसी की मांग मान जाते तो अडानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार खुद को कहने हुए चोरों को बचाने में घेरे में आते, कटघरे में खड़े होते, सिर्फ इसलिए ये जांच नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी नहीं बैठी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2G 3G कोलगेट कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे, जेपीसी बैठी, जांच हुई, कुछ निकल कर नहीं आया। फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में, संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब आपका, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए, गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पाई, कोई जेल में नहीं है, गर्व से कहना कहती हूँ, सब यहाँ है, और आज किसी सत्ता को ताना शाह को ललकारने के लिए आपके बीच में है।